नचिकेता, तुम हमारे अतिथि हो। हम तुम्हारा 3 दिनों तक कोई स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत दुख है। हम तुम्हें 1 दिन के लिए 1 वरदान के हिसाब से 3 वरदान देते हैं, मांग लो। यमराज, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटकर उनके चरणों में जाऊं, वह प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करे। तथास्तु। प्रभु, आप स्वर्ग साधन अग्नि के जानकार हैं, मैं श्रद्धालु हूं, कृपया मुझे इसका ज्ञान कराइए। नचिकेता, मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। यह अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है। सभी प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसे लोग नचिकेताग्नि कहकर पुकारेंगे। अब 3रा वर मांगो। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए, सत्य क्या है? है और नहीं का यह विवाद पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। महाराज, इस विषय के जानकार आप ही हैं, आप ही समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस वर के सामने दूसरा वर है भी तो नहीं। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। 100-100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो, हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज। तुम कुछ और मांग लो। मृत्युलोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो, ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे। पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए, मृत्यु का रहस्य खोलकर समझाइए। नचिकेता, इसके 2 ही रास्ते हैं, एक श्रेय का, आनंद का, और दूसरा क्षणिक सुख का। दोनों ही मनुष्य को आकृष्ट करते हैं, पर विचारवान मनुष्य सभी दृष्टियों से सोच समझकर क्षणिक सुख को नहीं, श्रेय को ही चुनता है। नचिकेता, तुमने सोचा है, समझा है, सुंदर और प्रिय का गहराई से निरीक्षण किया है और उन्हें त्याग दिया है। तुम धन और ऐश्वर्य के मोह जाल में नहीं फंसे हो, जैसा कि बहुत से मनुष्य उसमें डूबते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नचिकेता, मुझे बहुत संतोष है कि तुम सत्य में निष्ठा रखते हो। मैं कामना करता हूं कि मुझे वैसा ही प्रश्नकर्ता मिले जैसा कि तुम हो। महाराज, वो क्या है जो धर्म और अधर्म से अलग, कर्म और त्याग से परे, भूत और भविष्य के उस पार है? नचिकेता, जिस पद और लक्ष्य की महिमा वेद गाते हैं, जिसके लिए तपस्या की जाती है, जिसके लिए मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है, गहन अध्ययन करता है, वो एक ही शब्द में समाया हुआ है। वो शब्द है ओम। ये शब्द ही ब्रह्म है, यही परम है। जो इसे जान लेता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे बड़ी उपासना है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अजन्मा है, अमर है, सनातन है, नित्य है, पुरातन है। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूं और
और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूं, तो दोनों ही ना समझ है, दोनों अज्ञानी हैं। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। नचिकेता, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म का रहस्य बताता हूं, आत्मा की उस अवस्था के बारे में बताता हूं जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है, अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। भले ही हम नींद में हो, पर यह आत्मा हमेशा जागती रहती है और हमारे लिए एक अद्भुत स्वप्न की दुनिया रच देती है। नचिकेता, वास्तव में तेजोमय ब्रह्म ही अमृत कहलाता है। समूची सृष्टि इसी ब्रह्म में स्थित है, इससे परे कुछ भी नहीं। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोक जाता रहता है। नचिकेता, इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृत कहते हैं।